दोस्तों यहाँ पर बिग बॉस में इंटर होते ही आयशा खान मुनव्वर फारूकी को टारगेट करने लगी है और सबसे पहले तो ये लड़की बहुत ज्यादा बन ठनकर जो है गार्डन एरिया में आकर बैठ जाती है और बैठते ही ये मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करने लगती है और वो कहती है कि मैं तो मुनव्वर से सच्चा प्यार करने लगी थी और मेरा रिलेशन उससे काफी अच्छा चल रहा था और इन सब के बाद जैसे ही मुझे मुनव्वर फारूकी के राज पता चलने लगे तो मुझे उससे नफरत हो गई और यही वजह है कि मैं इस शो में आई हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग जो मुनव्वर फारूकी के फैन है और जो उसे अच्छा इंसान समझते हैं उन सबके सामने मैं मुनव्वर फारूकी का असली चेहरा लाना चाहती हूँ। सब यहाँ पर बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा है लेकिन मुझे पता है कि वो कैसा है। मैं इस शो के अंदर तो उसे एक्सपोज करके ही रहूंगी और इसके अलावा मैं इस गेम को बाहर से देख कर आई हूँ और अच्छे से समझ कर भी आई हूँ और इन घर वालों के बारे में भी मुझे पता है कि कौन रियल है और कौन फेक है। गाइस मेरे ओपिनियन से मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नाम लेकर ये इस शो में तो आ गई और मुनव्वर के अलावा इसके पास कंटेंट ही क्या है और इसीलिए जब से ये शो में आई है सिर्फ मुनव्वर 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 ही कर रही है, बेकार कर रो दो कर सिंपति गेन कर रही है। वेल दोस्तों आप इस बात से कितने सहमत हो यार कमेंट करके जरूर बताना और जाते हुए आप हमारे चैनल TIY न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम आपके लिए बिग बॉस और बॉलीवुड सोशल मीडिया से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज लाते रहते हैं यार, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना।